हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर एके सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी की तैयारी में क्या देख रहे हैं, यानी डी ट्रिपल एस में टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। और टीजीटी एसएसटी में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी, यानी क्लास सेवन्थ की हम एनसीईआरटी देख रहे हैं। क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी में हम आठवें चैप्टर पर तक पहुँच गए हैं, जो कि मानव पर्यावरण के बारे में है। और उसके कहीं ना कहीं जो परिवेश, जैसे कि आपके क्या है कि कोई गर्म क्षेत्र में रहता है, कोई ठंडे क्षेत्र में रहता है, कोई उसके उसी हिसाब से क्या है उनके परिवेश हो जाते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर बताया गया है। तो इसमें मैक्सिमम छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि आपने कल पढ़ा था, इग्लू वाली बात पढ़ी थी और ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो वहीं कहीं ना कहीं आपके इस चित्र में, यानी कि इस चित्र के जरिए आपको विश्व की विभिन्नता और निवास के लोगों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि क्या है गर्म देश में, जैसे कि यहाँ पर क्या है अफ्रीका के लोग हैं, ये क्या है गर्म क्षेत्र के कपड़े पहने हुए। जैसे कि अभी क्या चल रही है, हमारे यहाँ पे गर्मी चल रही है, तो हम क्या करेंगे जो हमें ज़्यादा यानी कि गर्मी ना लगे इस तरह कपड़े पहनेंगे, ठंडे कपड़े पहनेंगे। और जैसे ही सर्दियों का मौसम होगा तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हमें सर्दी ना लगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये विभिन्नता और कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब विभिन्नताओं के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक चीज़ के बारे में कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शब्दावली। शब्दावली याद कर लेना, ज्योग्राफी में शब्दावली सबसे ज़्यादा, यानी टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं टर्मिनोलॉजी से, जो क्वेश्चन आते हैं उसी में कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं परेशान, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सहायक नदी, सहायक नदी क्या होती है, छोटी छोटी नदियों का एक समूह, यानी कि छोटी छोटी नदी जा रही है, छोटी छोटी नदी जा रही है और फिर एक नदी में मिल जाती है, तो उसे कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक आती है मुहाने, यानी कि मुहाने क्या होता है, जिस स्थान पर कोई, यानी कि जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुहाने। और यही आपका फिर आता है सहायक नदी। ठीक है, तो सहायक नदी की आपको बात पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका बताया गया सहायक नदियों में अमेज़न बेसिन का निर्माण कराती है, और यह नदी क्या है जो ब्राज़ील के भागों में और कहीं ना कहीं पूरी के भागों में, यानी कि एक तरह से सारी चीज़ों को छोटे छोटे भागों को लेकर कहीं ना कहीं सहायक नदी के तौर पर बताया जाती है। ठीक है, तो फिर यानी कि जैसे अमेज़न बेसिन दिखाया दक्षिण अमेरिका में, कही आपको सारी सारी ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपका कहीं ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, एक तरह से सहायक नदी। जैसे हमारे भारत में कौन कौन सी सहायक नदी के तौर पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आती है जलवायु, यानी जलवायु और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जलवायु। जैसे कि आप ये मान के चलिए हम दक्षिण भारत में जाते हैं और हम उत्तरी भारत में आते हैं, हम क्या है पश्चिमी भारत में जाएं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनके परिवेश, उनके रहन सहन, उनके क्या है खाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलवायु, जलवायु क्या करती है, जलवायु एक व्यक्ति के जीवन पर, एक व्यक्ति के समाज पर, एक व्यक्ति के रहन सहन पर बहुत प्रभाव डालती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो ज्योग्राफिकल, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होती है, ज्योग्राफिकल जो चीज़ें होती है, उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं गर्म क्षेत्र में, जैसे कि मान के चलिए हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में क्या बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। आज का मौसम हो रहा है, यानी कि आज मौसम हो रहा है बरसात का मौसम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से हमारे क्या है कपड़े, रहने का तरीका, खाने का तरीका, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जलवायु में और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिर आता है क्या है, यानी कि क्या आप जानते हैं, क्या आप, तो क्या है ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचलित रखता है। और यही क्वेश्चन आपका, आपसे मैं पूछूं ईवीएस में आपके, यानी कक्षा चार की ईवीएस में आपने और पाँच की ईवीएस में क्या पढ़ा है, एक पौधा, यानी एक पौधा जो क्या है राजस्थान में होता है, जिसे क्या कहते हैं राजस्थानी ओक। और राजस्थानी ओक क्या है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया में जो पेड़ होता है उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वो ये जो दो पेड़ है कहीं ना कहीं आपके क्या है पानी इकट्ठे करने का काम आते हैं, और क्या है गर्मी के क्षेत्र में उनमें पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, वर्षा वन के निवास वाले लोग, यानी कि वर्षा वन के वाले की बात आएगी, और वर्षा वन में कहीं ना कहीं आपकी चीज़ आएगी। जैसे कि आपका क्या है जहाँ पर देखिए ये तीन चीज़ दिखाई गई है, वन ओके क्रम है निवासन, यानी कि क्या है मनुष्य ने क्या करा, इस तरह से रहना शुरू कर दिया, पहले यहाँ इतने जंगल थे, इन जंगलों काट कर इस तरह रहा, फिर इस तरह रहा। तो यही कहीं ना कहीं देखो जगह तो बढ़ती जा रही है, जगह रहने के लिए जगह बढ़ती जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग से ही हम ही क्या है तपते जा रहे हैं, यानी कि आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का यानी कि जीवन के बारे में बताएगा, गंगा देखो
पहले आदि मानव कहाँ रहता था? आदि मानव क्या है, जंगल, यानी कि एक गुफाओं में रहता था, पहले जंगलों में रहता था फिर गुफाओं में रहता था। उसके जो यानी कि आपने जब मध्य पाषाण युग आया, मध्य पाषाण युग में जब रहना शुरू करा, एक जगह रहना शुरू करा, तो उसने भी कहीं ना कहीं नदियों के पास ही रहना शुरू करा। इसलिए कहीं ना कहीं जितने भी आपने देखे होंगे बस्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा सिविलाइजेशन एक तरह से ज़्यादा उन्नत हुई हैं, वो नदियों के पास हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व मतलब क्या है का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है और बिहार का 1102 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे आसाम में क्या है, आसाम का क्लाइमेट क्या है, चाय बनाने के लिए, ये क्या है, धान की कृषि हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्लाइमेट। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस क्या माना जाता है, गन्ना, यानी गन्ने के लिए क्या है आपका उत्तर प्रदेश, जैसे मुजफ्फरनगर का एरिया है, इस तरह के एरिया में सबसे ज़्यादा गन्ना के चीज़ें पाई जाती हैं। अब एक सींग वाला गैंडा कहाँ है, असम में, यानी कि एक सींग वाला गैंडा आपको असम में मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर मिलता है, वाइट टाइगर कहाँ पर मिलता है। ये क्वेश्चन आपके आजकल जीके में हो गया है, पर एक सींग वाला, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। तो फिर आपका आता है देखो झील, यानी सांप झील में आजकल क्या है, आपने देखा होगा झील, झील इम्पोर्टेंट क्यों, पहले क्या है एक तरह से झील का कॉन्सेप्ट ये था कि पानी को इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट, और वही झील कहीं ना कहीं आजकल के स्थानों में मछली पालन और इस तरह के पालन में वही कन्वर्ट हो गई है। पहले भी यही काम था और अब भी यही काम है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के यानी कि बड़े इलाकों में, जैसे काशी आपका क्या है, काशी बनारस, ये शहर क्या है, गंगा के किनारे बसे हुए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। और इसमें सारे के सारे जैसे सूती वस्त्र यानी सूती कपड़े, ये क्या है, रेशमी कपड़े किससे बनते हैं, काजीरंगा कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका मैथ्स ऑफ फॉलोइंग का इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ये आपका एमसीक्यू है, ये आपको कर लेना, जैसे मैंने आपको कल सारे कराए थे वैसे ही आपको क्या है आज करने हैं। इनको ज़रूर लिख लीजिए, इनके सारे सारे आंसर लिख लीजिए, कक्षा 7 के हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।